नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त दुनिया के निगाहों में G20 समिट है और इससे जुड़ी इस वक्त की जो दो बड़ी खबरें हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पे फोकस करना इस वक्त बहुत जरूरी है, उस पे हम बात करेंगे। नई दिल्ली लीडर घोषणा पत्र को मंजूरी मिल चुकी है, ये सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की घोषणा कर दी। पीएम ने कहा कि इसके लिए उनकी टीम ने कड़ी मेहनत की है। वो सालों साल से जो टीम मेहनत कर रही थी, वो मेहनत रंग लाई है। G20 में भारत की ये बड़ी उपलब्धियों में से एक है, क्योंकि मिनिस्ट्रियल मीटिंग में अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया था। ये सबसे बड़ी बात है जिस पे इस वक्त हम फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट से बात करें। और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है, और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं अब मीडिया से मित्रों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इजाजत दें तो हम आगे का काम करना चाहते हैं, आप सभागृह से बाहर जा सकते हैं। और मेरे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, लेकिन उससे पहले मैं ठीक आपको भारत मंडपम लिए चलती हूं, जहां मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त मौजूद हैं और जो पल पल की जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नीरज, सबसे पहले जो अभी हम पीएम का स्टेटमेंट इस वक्त सुनवा रहे थे, जिसमें लीडर डिक्लेरेशन की बात कह रहे हैं पीएम, क्या इसको साझा बयान से हम जोड़कर देखें, क्या ये उन उपलब्धियों में से एक है? देखिए, बिल्कुल उपलब्धियों में से एक है, और ये उम्मीद की जा रही थी, आशंका भी जताई जा रही थी कि हो सकता है कि दिल्ली में G20 सम्मेलन में यूक्रेन के मसले पर बात जो है फंस जाए, और इसीलिए आशंका थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से यह ऐलान किया है कि दिल्ली डिक्लेरेशन पे हस्ताक्षर हो गए, G20 के तमाम देशों ने हस्ताक्षर कर दिया, और इसके अलावा लीडर्स डिक्लेरेशन भी जो होता है, लीडर्स ज्वाइंट कॉम्युनिक जो होता है, उस पर भी सहमति की घोषणा उन्होंने कर दी है। आपने सुना अभी कैसे और कैसे टीम भारत, जब प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया तो टीम भारत के लोग उनके पीछे जो थे, चाहे विदेश मंत्री की बात करें, वित्त मंत्री की बात करें, और जो दूसरे लोग थे, वो खड़े होकर तालियों के साथ इस घोषणा का अभिनंदन किया। अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान। देखना होगा कि आखिर यूक्रेन के मसले पर कहा क्या किया है। रीमा, हम इस वक्त मौजूद हैं मीडिया हॉल के बाहर, हिमालया मीडिया हॉल के बाहर हैं, और अब से थोड़ी देर बाद प्रेस वार्ता होगी, और उस प्रेस वार्ता में विदेश मंत्री, उम्मीद की जा रही है विदेश मंत्री और वित्त मंत्री संबोधित करेंगे, उनके साथ पूरी टीम होगी। तो थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर किन किन मसलों पर सहमति बनी है, क्योंकि अब तो असहमति की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। बड़ा फैसला अफ्रीकन यूनियन शामिल, और दूसरा बड़ा फैसला कि दिल्ली घोषणा पत्र और लीडर्स जो कॉम्युनिक है उस पर सहमति बन गई है। ठीक है नीरज, मैं आपका वक्त वक्त पे रुख करूंगी, क्योंकि वहां से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त डिबेट में मेहमान कौन कौन से जुड़ रहे हैं, उनका सबसे पहले परिचय करवा दूं। राजीव नयन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार है, निनाद से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, सौरभ शुक्ला पेशे से पत्रकार, अमिताभ सिन्हा जो कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, इन सभी का एक एक करके मैं इस वक्त रुख करूंगी। मैं सबसे पहले राजीव नयन जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार है, राजीव जी मैं आपके पास आती हूँ। इस वक्त आपने सुना होगा पीएम मोदी को, हम इस वक्त स्टेटमेंट भी सुनवा रहे हैं, लीडर डिक्लेरेशन पे सहमति बन चुकी है, इसकी घोषणा हो चुकी है, और ये
आज दिन भर की एक और उपलब्धि में से, सुबह सुबह जब हमने खबरें देखी कि अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य घोषित कर दिया गया, स्थायी सदस्य G20 का हिस्सा बना लिया। मैं आपका रुख करूं उससे पहले एक बड़ी खबर, कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसका इंतजार सभी को है। एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस बीच बीते कुछ घंटों में जो बड़ी बातें हुई है उसकी ब्रीफिंग होनी है। कुछ ही देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस प्रेस ब्रीफिंग में रहेंगे। और अब से पहले आपने प्रधानमंत्री को भी सुना और इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी जुड़ चुके हैं। मैं पहले अमिताभ सिन्हा का रुख करती हूँ। अमिताभ जी, अभी हम कुछ देर पहले भी इस पर चर्चा कर भी रहे थे कि ये जो पीएम की एक और उपलब्धि है जिसके लिए उन्होंने अपनी टीम को भी थैंक यू कहा है लीडर डिक्लेरेशन को लेकर, तो उस टीम ने कैसे काम किया और कैसे इस उपलब्धि तक भारत पहुंचा है, इस पर जरा